नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था और इसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 46.1 ओवर में 211 रन बना लिए थे। वहीं केन विलियमसन ने अच्छी पारी खेली और 67 रन बनाया और रॉस टेलर 67 पर अभी भी खेल रहे हैं। वहीं बुमराह और भुवनेश्वर के ओवर्स बाकी है, तो इसके दौरान ही बाद में बीच में मैच में बारिश आ गई और बारिश की वजह से मैच रुक गया। सभी इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब तक रुके, और अगर बारिश टाइम पर रुक भी जाती तो फिर DLS के हिसाब से भारत को एक टारगेट मिलता, लेकिन अंत तक पूरा वेट करने के बाद भी बारिश जब नहीं रुकी तो फिर मैच को अब बंद कर दिया गया है। मैच कल वापस रिज्यूम होगा जहाँ पर आज स्टॉप हुआ है वहीं से, और कल 3 बजे स्टार्ट होगा मैच जैसा कि आज हुआ था। और कल फिर से न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी वहीं से 46.1 ओवर के बाद से, और फिर भारत को जितना टारगेट मिलेगा उतने टारगेट को इंडिया चेस करेगी। वहीं अगर कल भी बारिश आ जाती है तो फिर से DLS का उपयोग किया जाएगा, और अगर कल भी पूरा दिन बारिश आती है तो ऐसे केस में फिर इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कल भी बारिश आने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कल के चांसेस तो मौसम विभाग की तरफ से 70% है कि कल भी बारिश आएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कल क्या हो, इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।